सायको, मैं अनीबा बात कर रही हूँ। अनीबा बात कर रही है फोन पे। मुझे आपसे मिलने की बहुत तलब थी और मैं कब से आपका वेट कर रही थी, और मुझे बहुत शौक है आपसे मिलने का और अपने दिल की बात कहने का, और आज मैं अपने दिल की बात कहने के लिए यहाँ पर आई हूँ। रट्टा लग रहा है मुझे, ठीक है एक मिनट, दिल की बात बाद में कहिएगा। क्या ड्रीम कैरियर है आपका? मैं आपसे कुछ कहने चाहती हूँ जो पूरी दुनिया के सामने कह सकती हूँ। आपको मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। जी हाँ जी, बट ठीक है, हो गया, चले, इससे तो शो में आगे नहीं जाएंगी आप। मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, मुझे मैं बहुत आपको अच्छा लगता हूँ, क्योंकि मैं टीवी पे आता हूँ। टीवी पे आने वाले जितने भी लोग हैं जी, उन पे हजारों लड़कियां इस तरह बातें करती हैं, कोई नई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत आपके खलूस का मैं एहतराम करता हूँ। आपने लिखा हुआ अरेंज मैरिज आप करना, तो मैं तो आपको लाइक नहीं करता, मगर मैं आपको करती हूँ, तो मैं नहीं, मैं आपकी खातिर जो आप कहे मैं कर सकती हूँ। आप देर की बात करेंगे ना, आप शो की बात करेंगे ना, मैं पूरी दुनिया के सामने बताना चाहती हूँ। बता दिया आपने, पता चल गया दुनिया को, किसी को अब हो गया ना, पता चल गया। अब आपने ये करना है, आप शो में आना चाहती हैं या नहीं आना चाहती, पहले ये डिसाइड करें जी। एक मिनट में यहाँ खड़े होकर कुछ भी आपने ऐसा करना है जिससे लगे कि आप इंटरटेनिंग है, डेयरिंग बाद में आएगा। हाय हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? मगर मुझे लाइफ में इतना वो नहीं है, क्योंकि तुम लोग है ही ऐसे हो। बॉयज ऐसा कोई भी नहीं होता, साफ सीधी बात है। सब बॉयज एक टाइम के लिए होते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए दूसरी गर्लफ्रेंड्स। आजकल तो कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं लेती। अच्छा बैठे, मुझे एक चीज बताएं, कितने लड़कों ने धोखा दिया आपको? सच, इस शो में जो सच बोलता है वो आगे जाता है। मुझे आज तक एक नहीं दिया। क्या हुआ, क्या था, किस तरह आपकी बात शुरू हुई थी? कॉलेज फ्रेंड था मेरे साथ। कहाँ का फ्रेंड था? कॉलेज में था। ठीक है, हम लोगों की बातचीत कम से कम 5-6 साल रही है। अब उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई, मैं शादी करना चाहती थी मगर नहीं वो कर पाया। वजह क्या थी, क्यों नहीं कर पाया? मैंने उससे कभी वजह नहीं पूछी इस बात में। तो आप उसके प्यार में फंस क्यों गई थी? आपके घर पे उसने रिश्ता भेजा था? नहीं। आपने बोला था भेजो? मैंने उसको बोला था, हमेशा उससे बोला था कि आज नहीं, अभी नहीं, फिर कभी, अभी नहीं, बस जस्ट टाइम पास। कितने अर्से तक आपकी रिलेशन रही? कम से कम 3 साल। कितनी हद तक आप फिजिकल थे? जस्ट फ्रेंड के तौर पर। मैंने आज तक कभी इसको लव तक नहीं उसने बोला था, ना मैंने, ना कभी लेटर वगैरह, ना गिफ्ट्स वगैरह आज तक हम लोगों ने। तो जब लव हुआ ही नहीं, तो फिर किस तरह से उसको पता चलता कि आपसे उसने शादी करनी है? मैंने उसको सिर्फ एक ही दफा बोला था। आपने बोला, उसने क्या बोला? नहीं, उसने जवाब ही नहीं दिया। उसने बोला मैं सोच के बताऊंगा, और इसीलिए मुझे किसी भी लड़के पे इंटरेस्ट नहीं था। यार एक ने बोला मैं सोच के बताऊंगा, उसने आपका मिसयूज तो नहीं किया ना? लेकिन वो 3 सालों से सोच ही रहा था। उसने आपका मिसयूज तो नहीं किया कोई? नहीं किया। नहीं, कोई डेट पे आपके साथ उल्टी पुल्टी हरकत तो नहीं? नहीं। तो फिर किस तरह आप गलत कह सकती हैं? लड़के को इतना कसूरवार क्यों बना देते हैं आप सारी लड़कियां? उसने कुछ किया नहीं, कोई बदतमीजी नहीं की, कोई उल्टी पुल्टी हरकत नहीं की, कभी इस चीज की ख्वाहिश जाहिर की थी उसने कोई? नहीं। तो फिर तो यार आपकी गलती हुई ना, आपकी एक चॉइस है कि जी मैं अगर इसको पसंद कर रही हूँ तो ये चीज मुझे मिल जाए, बेशक वो आपको ना चाहे, ये तो गलत है ना। उसने तो आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की। देखिए जिंदगी में अगर कोई आपको कह देता है ना नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमतर हो गए, इसका मतलब ये है कि आपको अपने मुताबिक नहीं समझ रहा। हजारों लड़के आते हैं, आगे चले जाने चाहिए, अभी खड़े हो गए। जैसे आपने बोला ना आजकल कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहती, एक मिनट में चेंज हो जाता है, उससे लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा आपके साथ धोखा हुआ है। धोखा तो नहीं हुआ ना, धोखा कैसे हुआ ये? उसने एक दफा भी मुझसे नहीं पूछा था क्या कि तुम मुझसे प्यार, 3 साल तक हम लोग चलो फ्रेंडशिप रहे हैं, एक दफा इंसान फील तो कर सकते ना, एक हंसी मजाक पे हर वक्त उसी के साथ वक्त गुजारती हूँ। हर वक्त आप उसके साथ रहती थी? कॉलेज के बाद कॉल पे, मोबाइल पे, फोन यूज भी तो करती थी उसी के साथ ही। अच्छा, सिर्फ फोन पे बात करने से आपने ये सोच लिया, तो बातें क्या करते थे आप? सारे दिन की अपनी कॉलेज लाइफ की बातें, एक दूसरे से हंसी मजाक। गलती आपकी है ना, बार दफा होता क्या है कि आपकी तरह लड़कियां खुद ही समझ लेती हैं कि किसी से दोस्ती चल रही होती है ना, वो सोचती है शायद कल खुद बोले परसों खुद बोले, थोड़े दिन बाद ऐसा होता है कि वो लड़का चला जाता है, वो सोचती है इसने हमें धोखा दिया। धोखा नहीं दे रहा होता, आपको पहले दिन ही अपनी रिलेशन क्लियर कर लेना चाहिए। या तो आप ये चाहती हैं कि अगर वो आपसे दोस्ती कर ले जी, तो बोले दोस्त। अगर लड़की पहले बोल दे, इसमें कोई शर्म तो नहीं होनी चाहिए ना? आपने 3 साल बाद भी बोला ना? हाँ बोला। क्या बोला आपने 3 साल बाद? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तीन और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती। तो उसका जवाब क्या था?